तो आज की क्लास में क्लास बारहवीं का गणित प्रश्नावली बारह दशमलव एक का पार्ट टू में प्रश्न संख्या सात से हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि पार्ट वन में एक से लेकर छः तक हम लोगों ने बहुत ही प्यार से इसको हम लोगों ने सल्व किया अब पार्ट टू में प्रश्न संख्या सात आठ नौ और दस इन चारों प्रश्न को सॉल्व करेंगे और आपको बता दें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है छ सात आठ नौ दस ही है क्यों क्योंकि एक से छः तक जो आप पढ़े हो वो बेसिक है उससे भी प्रश्न पूछा जाता है लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि एक से छः तक में सौ में से नाइन्टी फाइव परसेंट चांस रहता है कि आएगा लेकिन सात से दस में हंड्रेड में हंड्रेड परसेंट चांस है कि एक आएगा ही आएगा ठीक है तो ये चीज़ कंप्लीट रहेगा एक से लेकर छः तक तभी सात से दस भी समझ में आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक से छ तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए होंगे इनमें आपको कोई दिक्कत होगा नहीं बस आपको रास्ता दिखाना है ठीक है प्रश्न को रीड करिए निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर फाइव एक्स प्लस टेन वाई का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए मतलब दोनों करना है और यहाँ पर समीकरण यानी इक्वेशन है एक और ये दो और ये तीन तीन इक्वेशन है और तीनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना होगा बॉक्स बनाना होगा तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं सबसे पहले देखो तीन समीकरण दिया है ना तीनों का हम बॉक्स बनाएंगे पहला समीकरण है कि x प्लस टू वाई बराबर एक सौ बीस तो x बराबर करेंगे तो एक सौ बीस और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस ठीक है अब हम बनाते हैं यहाँ पर बक्स ये देखो ये x है और ये y है y का मान देंगे x का मान आते जाएगा तो मेरा मन है कि y का मान दे दे साठ तो साठ दूनी एक सौ बीस एक सौ बीस में से एक सौ बीस जाएगा तो एक्स कमान जीरो मेरा मन है कि वाई कमान इस बार ज़ीरो दे दें जो मन करे सो दे दो तो जीरो से और टू से करेंगे जीरो एक सौ बीस में से जीरो जाएगा तो एक सौ बीस ही आएगा ठीक है कोई दिक्कत चलो अब हम आगे बढ़ते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर साठ अब देखो इसको एक्स बराबर करते हैं तो ये साठ और ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस यहां पर देखो ये एक्स और ये वाई वाई का मान देना चाहते हैं साठ तो साठ में से साठ जाएगा जीरो इस बार मेरा मन है कि वाई का मान देते हैं जीरो तो साठ में से जीरो जाएगा तो साठ आ गया जो मन करे सो दे सकते हो तीसरा समीकरण कि एक्स माइनस टू वाई बराबर जीरो एक्स बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा अब इसका मान दो मेरा मन है कि एक्स और वाई मेरा मन है ठीक है कि एक्स का मान ठीक है ना यहाँ पर ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है ना जितना आप लोग क्वेश्चन किए हो वो सब बेहतर किए हो मेरे को पता है लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ये तीसरा समीकरण है कौन सा समीकरण है तीसरा समीकरण है तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर y का मान क्या दें जो मन करे सो दे सकते हो आपका है y का मान देने का मान लो कि बीस क्या मन है बीस तो क्या देगा बीस धुनी चालीस x का मान दे देगा चालीस आपका है y का मान देने का तीस तो 30 धुनी क्या हो जाएगा 60. ये तो मेरे को लगता है कि सबको बक्स बनाने आ रहा होगा ये बहुत छोटी बात हो गई अब आते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे तीनों का, ठीक है ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है समझ गए ये y और y डैश ठीक है यहां आप जानते हो कुमुल मूल बिंदु होता है हमारा जीरो जीरो और ये हाईएस्ट कितना 120 है ना तो हम क्या करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह करके ऐसे लेंगे तो इसमें आएगा ही नहीं तो हम इसको जो अल्टरनेट करते हैं जीरो से बीस कर देते हैं बीस चालीस साठ अस्सी सौ एक सौ बीस ऐसा हमने कर लिया वैसे यहाँ भी बीस चालीस साठ अस्सी सौ एक सौ बीस ठीक है अब हम इसको मिलाएंगे पहले ग्राफ में पहले बक्स में चलते हैं कि एक्स में साठ वाई में जीरो सॉरी एक्स में जीरो वाई में साठ एक्स में जीरो यहाँ पर वाई में साठ यहाँ मिल रहा है तो इसको लिख लेंगे एक्स में जीरो वाई में साठ एक सौ बीस वाई में जीरो एक में एक सौ बीस और वाई में जीरो यहाँ पर मिलेगा एक्स में एक सौ बीस और y में जीरो इनको क्या करते हैं मिला देते हैं ठीक है इनको हम मिला देते हैं बहुत ही अच्छे से बिल्कुल प्यार से मिलाएंगे इसको ठीक है आप लोग इंच का या और क्या बोलते हैं पेंसिल का इस्तेमाल करिएगा ठीक है ना मेरे जैसा नहीं करना है अब दूसरे में x में जीरो y में साठ x में जीरो y में साठ में जीरो y में साठ दोनों एक ही आ गया यहाँ पर ही ये भी आ गया अब चलो x में साठ y में जीरो एक्स में साठ वाई में जीरो यहाँ मिलेगा एक्स में साठ वाई में जीरो इनको भी प्यार से मिला देते हैं बहुत ही अच्छे से और प्यार से ये हमने इसको भी मिला दिया ठीक है अब चलो एक्स में चालीस वाई में बीस एक्स में चालीस वाई में बीस यानी यहाँ मिलेगा यहाँ पर ठीक है एक्स में चालीस वाई में बीस x में साठ वाई में तीस x में साठ वाई में तीस में साठ वाई में तीस मतलब एक्स में साठ यहाँ जाएगा और वाई में तीस चालीस से थोड़ा सा कम मतलब यहाँ मिलेगा एक्स में साठ वाई में तीस मतलब बीस से थोड़ा ज़्यादा चालीस से थोड़ा सा कम बीच में आएगा तीस ये मिल गया इनको क्या करते हैं यहाँ से मिला देते हैं ये हमारा ये मिलते हुए चला गया ठीक है अब हमने ग्राफ तो बना लिया अब छयांकित करने वाला भाग रह गया छियांकित कैसे करते हैं पता है ना सबको देखो एक सौ आई का मान भरेंगे तो जीरो आएगा तो जीरो से एक सौ बीस बड़ा है बिल्कुल सही है जब सही रहता है तो मूल बिंदु के तरफ करेंगे पहला ग्राफ कौन था ये था ना लाइन तो ये मूल बिंदु की तरफ होगा अंदर के तरफ तो अंदर की तरफ इसको छ्यांकित कर देंगे ठीक है आ रही बातें समझ में अंदर की तरफ छायांकित कर देंगे ठीक है आगे बढ़ो इसमें भी भरेंगे जीरो और जीरो तो अब ये देखो तो जीरो आ गया साठ से जीरो बड़ा होता है क्या गलत है गलत है ना तो मूल बिंदु से बाहर की तरफ तो इसके लिए क्या होगा बाहर की तरफ होगा दूसरे लाइन के लिए दूसरे समीकरण के लिए बाहर की तरफ छायांकित होगा ठीक है बाहर की तरफ अब ये देखो तो ये एक्स माइनस वाई इसमें जीरो जीरो भरेंगे तो जीरो आएगा तो जीरो से बड़ा और बराबर मतलब जीरो से बड़ा या बराबर है मतलब क्या है ये बिल्कुल सही भी है सही है ना जीरो से बड़ा जीरो थोड़ी होता है ऐसा तो नहीं होता है ना मान लो यहाँ जीरो जीरो आया तो जीरो बड़ा बराबर जीरो जीरो से जीरो बड़ा होता है क्या नहीं बराबर होता है तो ये भी क्या होगा ये भी हमारा किधर होगा बाहर की तरफ होगा तो तीसरा लाइन कौन था हमारा ये था तो तीसरा लाइन क्या करेंगे अच्छा एक बात और देखो यहाँ पर बोला है कि x का मान जीरो और वाई का मान जब हमने जीरो रखा तो ज़ीरो आ गया तो जीरो से बड़ा या बराबर आ गया क्या आ गया जीरो से बड़ा या बराबर आ गया तो जीरो से बड़ा या बराबर का मतलब है कि ये बिल्कुल हमारा सही भी है क्योंकि बराबर का भी साइन है ना तो मतलब ये सही भी हो सकता है ठीक है तो इसको क्या करेंगे हम इधर करेंगे और जिनके नीचे की तरफ ही और जिनके यानी मूल बिंदु के नीचे के तरफ ही तो जब हमने सबको किया छांकित, तो पता है आपको कॉमन पॉइंट कौन सा आया पता है ये देखो ये पॉइंट ये ये जो आया है यहाँ से देखो ये ये और यहाँ से यहाँ तक और ये वाला ये तीनों में कॉमन पॉइंट है चेक करो सही से तीनों में है तो हमें क्या करेंगे इसका नाम देते हैं ए इसका बी इसका सी और इसका डी इन चारों पॉइंट को निकालना होगा ठीक है तो आइए हम इस चारों पॉइंट को निकालते हैं ले लेते हैं रफ पेज रफ पेज कहाँ है चलो इसी पेज पर करते हैं नए पेज पर ही सबसे पहले लिखेंगे जेड बराबर आपका ऊपर देखिए किताब में क्या दिया है फाइव एक्स प्लस टेन वाई तो हम सब सबसे पहले लेते हैं ए एक कितना है चालीस बीस तो जेड बराबर क्या हो जाएगा पाँच गुना चालीस प्लस दस गुना बीस ये जेड बराबर हो जाएगा पंचों का बीस ये दो सौ और ये दो सौ यानी जेड का माना जाएगा चार सौ ठीक है बी देखेंगे बी साठ तीस है बी साठ और तीस है तो जेड बराबर पाँच गुना साठ क्योंकि एक्स का मान साठ है और एक क्या है दस गुना वाई वाई का मान तीस है तो जेड बराबर छः पाँच तीस यानी हमारा तीन सौ और इसको करेंगे ते भी हमारा तीन सौ जेड का मान छः सौ आ गया सी देखेंगे सी क्या है सी है एक सौ बीस और जीरो एक सौ बीस और जीरो तो जेड बराबर पाँच गुना एक सौ बीस और प्लस दस गुना वाई का मान जीरो तो हो जाएगा छः सौ प्लस जीरो यानी आ जाएगा छः सौ डी देखो क्या है डी है आपका साठ जीरो डी है साठ और जीरो तो जेड बराबर पाँच गुना साठ प्लस दस गुना जीरो जेड बराबर छः पाँच तीन सौ और एक जीरो जेड बराबर आ गया तीन सौ तो एक आ गया चार सौ एक छः सौ एक छः सौ और एक तीन सौ तो हमें क्या बताना है चेक करो न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण दोनों बताना है तो क्या लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे लास्ट में इस प्रकार जेड का न्यूनतमीकरण जेड का न्यूनतमीकरण का मान न्यूनतमीकरण कमान, कमान बिंदु सबसे कम किस पे है तीन सौ है ना बिंदु साठ कोमा जीरो पर तीन सौ है साठ कोमा जीरो पर तीन सौ है तथा अधिकतमीकरण कमान किस पे ज़्यादा है एक सौ बीस एक सौ बीस जीरो पर है ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा आप दोनों में से कोई लिख सकते हो बी एस सी दोनों में से कोई लिख सकते हो क्योंकि दोनों छः सौ छः सौ है तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते थे ठीक है तो ये था हमारा प्रश्न संख्या कौन सा सेवन ना सेवन सेवन कंप्लीट होता है अब हम लोग एट को देखेंगे आइए उसको भी देखते हैं अब चलिए प्रश्न संख्या आठ को देखते हैं कि निम्न और अंतर्गत जेड बराबर एक्स प्लस टू वाई का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए ठीक है तीन समीकरण है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन समीकरण से बक्स बनाएंगे एक्स प्लस टू वाई बराबर सौ ठीक है एक्स बराबर करेंगे ये सौ और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस ठीक है तो यहाँ से देखो इसके लिए हम बक्स बनाएंगे तो क्या होगा सबसे पहले ये एक्स और ये वाई हम क्या करते हैं कि वाई का मान देंगे तो एक्स कमाना जाएगा तो मेरा मन है कि वाई का जो मान है ना वाई का मान देते हैं सौ सौ देंगे तो क्या होगा गड़बड़ हो जाएगा तो हम क्या करते हैं ना क्योंकि छोटा रखा जाए ये तो अपने खुद से रखना है तो ऐसा रखा जाए कि छोटा में हमारा काम हो जाए तो हम क्या करते हैं ना वाई का मान दे देते हैं जीरो वाई का मान क्या देते हैं जीरो अच्छा रहेगा हमने क्या दिया जीरो तो जीरो और टू से करेंगे ज़ीरो हो जाएगा और सौ में से जाएगा तो एक्स का मान सौ आ जाएगा मेरा मन है कि वाई का मान इस बार पचास दिया जाए तो पचास दुनी सय सय में से सह जाएगा ये भी आ जाएगा जीरो ठीक है पहला हमारा बक्स बन गया दूसरा बक्स बनाते हैं कि एक्स माइनस वाई बराबर जीरो तो यहाँ से टू एक्स बराबर करेंगे तो वाई टू एक्स बराबर वाई का चाहे वाई बराबर टू एक्स बात एक ही है अब चलो अब यहाँ सल्व करते हैं ये एक्स और ये वाई हम क्या करते हैं कि एक्स का मान देंगे तो वाई का मान क्या होगा आते जाएगा तो मेरा मान है कि एक्स का मान देते हैं जीरो तो जीरो और टू से करेंगे जीरो तो वाई का भी मान क्या आएगा जीरो इस बार माने एक्स का मान पचास देने का तो पचास देने सर वाई का माना जाएगा सर ठीक है तीसरा समीकरण क्या है टू एक्स प्लस वाई बराबर दो सौ तो टू एक्स बराबर करेंगे तो दो सौ और प्लस अगर जाएगा तो माइनस तो एक्स बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा दो सौ माइनस वाई बटा दो अब इसका बनाते हैं अगर आप फिगर बक्स बनाएंगे ना फिगर नहीं बक्स बनाएंगे चलो मेरा मन है कि इस बार वाई का जो मान है वो दो सौ दे दिया जाए जब y का मान हमने 200 दिया तो दो में दो सौ में से दो सौ जाएगा जीरो जीरो में दो से भाग देंगे जीरो इस बार माने कि y का मान 100 दे दिया जाए क्या 100 दे दें कि जीरो दे, दे? दे, दे दें y का मान जीरो दे देते हैं तो 200 में से जीरो जाएगा 200 200 में दो से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा ये बक्स तो सबको बनाने आ रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है किसी को किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बक्स में कमेंट करते रहना है ठीक है ना चलो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ अरे बहुत आसान है अब सही से देखा करो ठीक है ये होता है मूल बिंदु जीरो जीरो ये देखो हम क्या करते हैं हमारा हाईएस्ट दो सौ तक है तो हम क्या करते हैं ना कि पचास पचास का रख देते हैं पचास सौ डेढ़ सौ दो सौ पचास पचास का हमने रख दिया अल्टरनेट पचास सौ डेढ़ सौ अरे दो सौ ठीक है अब हम क्या करते हैं ध्यान देना सबसे पहले एक्स में सौ वाई में जीरो एक में सौ एक्स में सौ और वाई में जीरो तो यहाँ पर मिलेगा एक्स में सौ वाई में जीरो इस बिंदु को हम लिख लेंगे एक्स में सौ और वाई में जीरो एक में जीरो वाई में पचास एक में जीरो वाई में पचास यहाँ मिलेगा एक्स में जीरो वाई में पचास इस लाइन को क्या करेंगे मिला देंगे ये देखो हमने मिला दिया अब चलो एक्स में जीरो वाई में जीरो यहाँ मिलेगा एक्स में पचास वाई में सौ एक में पचास और वाई में सौ यानी ये मिलेगा यहाँ पर एक में पचास वाई में सौ इसको मिलाएंगे तो ये लाइन आ जाएगा एक्स में जीरो वाई में दो सौ एक में जीरो वाई में दो सौ यहाँ मिलेगा एक्स में जीरो वाई में दो सौ एक्स में सौ वाई में जीरो x में सौ वाई में जीरो x में सौ यहाँ और वाई में जीरो ये वाला यानी इसको मिलाएंगे ये बिंदु ये मिल गया ठीक है अब क्या करेंगे अब हमारा जो काम है वो काम क्या रह गया मेरा काम रह गया चलेंगे कहाँ पर चलेंगे हम चलेंगे कि देखेंगे कि हमारा जो बक्स बना है ये जो शर्त दिया है सत्य है क्या सत्य छ्यांकित करना है ना तो एक सौ और वाई का मान भरेंगे तो जीरो आएगा तो सौ से जीरो बड़ा होता है क्या नहीं गलत है तो पहला जो लाइन बना है ये बना है तो गलत है तो ऊपर की तरफ करेंगे ना इसको ऊपर की तरफ छ्याांकित कर देंगे ऊपर की तरफ छयांकित कर दिया हमने ठीक है क्योंकि जब सही रहता है तो मूल बिंदु के तरफ होता है चलो अब हम क्या करेंगे ये चेक करेंगे एक्स और वाई का मान भरेंगे क्या है जीरो तो जीरो जो होता है जीरो से छोटा होता है क्या नहीं जीरो छोटा नहीं होता है मतलब ये बिल्कुल गलत है तो इसको भी क्या करेंगे आ, सेकेंड लाइन कौन था मेरा सेकेंड लाइन कौन था ये था ना ये था ना पचास हाँ ये था ये लाइन था इसको क्या करेंगे और जिन से बाहर क्योंकि जीरो से जीरो कभी छोटा नहीं होता है यानी मूल बिंदु से भी क्या होगा बाहर होगा ठीक है तीसरा के लिए तीसरा के लिए क्या है चेक करेंगे इसमें भरेंगे जीरो इसमें भरेंगे जीरो तो जीरो से दो सौ बड़ा होता है क्या बिल्कुल सही है तो इसके लिए कहाँ करना होगा जो हमारा तीसरा लाइन है मूल बिंदु के तरफ होगा ये तीसरा लाइन है ना ये तीसरा लाइन है यही तीसरा लाइन है, है ना देख लो ध्यान से देख लो ये है तो ये क्या होगा मूल बिंदु के तरफ होगा बिल्कुल सही है ये देखो ओके तो अब हमारा जो ग्राफ बना है देखो ये ए हो जाएगा अरे बी हो जाएगा और यहाँ पर आ, यहाँ पर एक बना है ना, पचास और सौ एक यहाँ पर बना है ये हो जाएगा हमारा सी ए बी सी अरे जो हमारा लाइन बना है बिल्कुल थोड़ा सटीक नहीं बना है नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल सब मैच करना चाहिए था यहाँ पर मैच हुआ है सी पचास नहीं जीरो और पचास ठीक है ये लाइन बना तो ये जो बक्स बना है ये वाला देख रहे हो ना ये जो बक्स बना है यहीं हमारा पार्ट को आपको अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण निकालना है ठीक है तो आइए हम इसको निकालते हैं बहुत ही आसान है ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण तीनों बताना है कहाँ पर पहेंगे ए जीरो कोमा दो सौ तो जेड बराबर क्या है जेड बराबर है आपका एक्स प्लस टू वाई तो जेड बराबर हो जाएगा एक्स का ज़ीरो और टू वाई का मान है दो सौ यानी ये आ जाएगा चार सौ ठीक है बी पार्ट क्या है बी है आपका पचास और सौ पचास और सौ तो जेड बराबर एक्स का मान पचास और वाई का मान सौ तो ये हो जाएगा जेड बराबर दो सौ और पचास दो सौ पचास हो जाएगा सी देखो क्या है जीरो पचास है सी क्या है जीरो पचास है ना सी हमारा क्या है एक बार चेक कर लेता हूँ ए पॉइंट मिला है ये पचास के लिए गया है और ये जीरो के लिए गया है ठीक है तो जीरो और पचास है जीरो और पचास है तो जेड बराबर एक्स का मान जीरो और दो वाई का मान पचास तो जेड बराबर कितना हो जाएगा सौ तो अधिकतम करण कि, किस किस है बिंदु ए पर तो डायरेक्ट लिखेंगे कि इस प्रकार बिंदु ए जीरो कोमा दो सौ पर अधिकतमीकरण अधिकतमीकरण कितना है चार सौ है तथा बिंदु किस पर सबसे कम किस पर है सी पर बिंदु सी पर न्यूनतमीकरण है न्यूनतमीकरण है ठीक है बस आपको ये सब लिख देना है ये सब बहुत आसान है यार आप लोग खुद से भी कर सकते हो ठीक है समझ में आया कोई दिक्कत नहीं चलो आठ कंप्लीट अब नौ देखते हैं